सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कैसे हैं आप सब? तो आज नेक्स्ट डे है। वीडियो तो मैंने कल अपना शुरू किया था बट कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, सिर्फ मैंने आपको मार्केट का दिखाया था। उसके बाद क्या हुआ, दीदी को जाना पड़ गया, तुरंत फ़ोन आ गया था जिया जी का, तो फिर तुरंत मैंने उनकी पैकिंग वगैरह सब करी। हम लोग मार्केट इसीलिए जल्दी चले गए, जल्दी हो के आ गए। तो फिर मैं ना तो कल दीदी जो चूड़ियाँ वगैरह बैंगल्स ज्वेलरी वगैरह लेके आई थी वो भी मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, और भी परी की वैली वगैरह मैं लेके आई थी कुछ भी नहीं दिखा पाई बिकॉज दीदी को तुरंत जाना पड़ गया। और फिर शाम को फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैं भी थक गई थी, मार्केट में पैदल बहुत ज़्यादा घूमना हो जाता है, तो मैंने भी कोई वीडियो शूट नहीं किया था। फिर उसको मैं अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ, दिखाया बिट्टो खेल रही थी, अभी बिट्टो सो रही है। बिट्टो को हो गया एक घंटा सोते हुए और मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हूँ। ये समोसे हमारे यहाँ के फेमस है और सुबह टाइम ही मिलते हैं चौक में, तो ये अभी उधर ही गए थे थोड़ा सा काम से, तो ये लेके आए थे, तो हम सब अभी मैं यहाँ पर ये भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, हम लोग समोसे इंजॉय कर रहे हैं। और बिट्टो सो रही है इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ से बात कर रही हूँ। थोड़ी सी आप लोगों को आवाज़ मेरी धीमी आ रही होगी क्योंकि मैं बिट्टो की वजह से थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। और अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर ली है लंच के लिए, क्योंकि 10:10 हो गए और जो मैं आज बनाने जा रही हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर ये देखिए बॉयल हुए आलू रखे हैं, अभी मैंने इनको छीला भी नहीं है। उधर टमाटर धनिया वगैरह ये बैगन रखे हैं। मैं आज बनाऊंगी चोखा जो बैगन भून के बनता है, बैगन और बॉयल आलू उसमें बन रखते हैं, टमाटर वगैरह सब पड़ते हैं, तो वो चोखा बनाऊंगी। दाल चावल रोटी और लौकी का रायता, तो ये लौकी भी मैंने निकाल ली है फ्रिज से ताकि ये भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए क्योंकि ठंडक होने लगी है। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लेती हूँ और उसके बाद फिर
मैं दिखाऊंगी, मैं क्या करूंगी बैगन वगैरह भून कर रख लूंगी, क्योंकि फिर अगर मैं वीडियो बनाने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बैगन भून लूंगी, आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं, और जो जो मुझे प्रिपरेशन करनी है वो सब मैं करके रख लूँगी, और मैं बनाऊँगी कैसे ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझा भी दूँगी। चलिए पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लूँ। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी अपना लंच बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने बैंगन को भूनने के लिए रख दिया, इसमें मैंने बीच से थोड़े थोड़े से कट लगाकर उसके अंदर लहसुन लगा दिया है, और हल्का सा सरसों का तेल जो था वो हल्का सा लगा दिया था, और मुझे रायता बनाना है तो मेरा जीरा पाउडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैं वो भी बनाऊँगी भून के। तो यहाँ पर मेरा जो जीरा है वो भी भून चुका है, और जीरे को मैं जो अदरक कूटने वाला है इसी से कूटूंगी, हल्का सा क्रश करूंगी। इससे क्या होता है जब रायता बनाओ तो रायते में जब हल्के हल्के जीरे के जो चंक्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसको पीसूंगी नहीं, इसी से क्रश कर लूंगी। और इधर मेरा चावल भी मैंने अपना रख दिया है गैस पर, और उधर बैंगन तो मेरा भुन ही रहा है, तो इधर मैं जीरा भी अपना क्रश कर ले रही हूँ, और ये गरम गरम ही है तो आप लोगों को धुआं भी दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा धुआँ आ रहा है। और एक बैगन मेरा भून गया है और दूसरा बैगन मेरा भून रहा है, और वो जो बैगन भून चुका है वो अभी हल्का सा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तब मैं उसको छील लूँगी। और यहाँ पर मेरा जीरा पाउडर बन चुका है, और इधर ये भी नहा कर आ गए थे तो मैं इनके लिए चाय चढ़ा रही हूँ। और अब देखिए बैगन को मैं छील रही हूँ और ये कितनी आसानी से छील रहा है, हल्का सा ठंडा हो गया है तो गर्म भी नहीं लग रहा है, और अगर बिल्कुल ठंडा करके छीलूंगी तो ये छीलने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बैंगन भी मैं छील लूँगी अच्छे से, और एक चीज़ अच्छी थी कि बैंगन में मेरे कीड़े बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने काफ़ी अच्छे से इसको देख लिया था। तो बैंगन मेरा छिल चुका है, अब मैं इसको ऊपर का जो इसका डंडी होती है वो काट दूँगी और इसको अच्छे से देख लूँगी। मैं यहाँ पर कीड़े वगैरह देख रही थी, कीड़े वगैरह तो नहीं है, बट नहीं थे, एक भी कीड़ा नहीं था, एकदम दोनों बैंगन बिल्कुल अच्छे साफ़ थे। तो बैंगन मेरा ये वाला भून चुका है, और दूसरा वाला बैंगन भी मेरा भून चुका है, इसको भी थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, तब तक मैं अपना रायता बना लूँगी। तो यहाँ पर दही को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, और लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसके बाद उसको उबाल लिया था अच्छे से, तो कि लौकी सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद निचोड़ लिया था। यहाँ पर मैं अपनी दही में डाल रही हूँ जीरा पाउडर और काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और थोड़ी सी एकदम लाल मिर्च और सफ़ेद वाला नमक, इतनी ही चीज़ें डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। चाट मसाला, सॉरी रायता मसाला मेरे पास है नहीं तो वो मैं डाल नहीं रही हूँ, सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये रही वो लौकी जो मैंने बॉयल कर ली थी, तो ये भी मैं इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये लौकी का रायता बहुत अच्छा लगता है, इसमें ऊपर से मैं ये हरी धनिया डाल दूंगी और उसके बाद इसको तड़का लगाऊंगी। और खीरे वगैरह का रायता तड़का नहीं लगाओ तो भी चल जाता है, बट लौकी के रायते में तड़का ज़रूरी होता है। तो मैंने मेरा तेल भी देखे यहाँ पर गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, मैं सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी सिंपल सा। तो मैंने इसमें जीरा और हींग डालकर तड़का लिया है अच्छे से, और ये मेरा तड़का बनकर रेडी हो चुका है। तो बस रायते में मैंने लगा दिया है, मेरा रायता भी बन चुका है, अब मैं अपना बना लूँगी चोखा। तो ये मेरे बैंगन है और इसमें मैंने जो लहसुन लगाए थे वो भी पक चुके हैं, इसलिए मैंने लहसुन काटे नहीं हैं अलग से, उसी में ही वो लहसुन थे जो उनको हाथ से थोड़ा सा मैश कर लिया था। और इसमें मैं मिला रही हूँ आलू, पहले मैं दो आलू मिलाऊंगी, बट दो आलू भी मेरे लिए कम हो रहे थे, और इनको आप चम्मच से बिल्कुल भी नहीं मिला पाएंगे, आपको हाथ का यूज करना ही पड़ेगा, अगर आप चम्मच से मिलाएंगे तो बैंगन ठीक से मैश नहीं हो पाएगा। तो देखिए दो आलू मैंने मिलाए थे बट मुझे आलू कम लग रहे थे, तो मैं एक आलू और मिला दूंगी, तो बहुत बड़े बड़े आलू नहीं थे, ठीक ठीक से थे, तो मैं एक आलू इसमें और मिला दे रही हूँ। और उसके बाद जो अपने सारे इसमें जो मैंने टमाटर प्याज वगैरह चॉप करके रखा है वो मिला दूंगी। तो देखिए सारी चीज़ें मेरी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, आलू बैंगन। अब मैं इसमें ये मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर, दो टमाटर मैंने बड़े साइज़ के काटे थे, और दो ही प्याज मैंने बड़े बड़े साइज़ के काटे थे एकदम बारीक बारीक से, और ये अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे पास केवल तीन थी तो मैंने उतनी ही डाल दी थी, बट इसमें तीखा नहीं हुआ था, मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं हुआ था। तो मुझे थोड़ी सी ये हुआ कि आप लोग हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, तीखा ज़्यादा खाते हैं तो, और इसमें नींबू बहुत मस्ट होता है, तो नींबू तो मैं अभी नहीं मिलाऊंगी,
नींबू मैं जब खाऊंगी तभी इसमें मिलाऊंगी ऊपर से। और इसमें डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये सरसों का तेल। जब तक आप ये नहीं डालेंगे तो जो चोखे का टेस्ट होता है, महक होती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये कच्चा ही तेल इसमें डाला जाता है। तो देखिए वो सब मैंने डालकर मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मेरा चोखा बनकर रेडी हो चुका है। देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये अच्छा था, टेस्टी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाते समय थोड़ा सा नींबू डाल लिया था ऊपर से, तो इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो गया था। नींबू डालना ज़रूरी हो जाता है, नींबू नहीं डालेंगे आप लोग तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए चोखा भी मेरा बनकर रेडी हो चुका है, बाकी खाना भी मैं अपना बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा खाना एकदम बनकर रेडी हो चुका है। ये रही मेरी आज की लंच थाली, लौकी का रायता, दाल, और ये बाबू जी की थाली है। दाल उनको कम पसंद, इसलिए दाल थोड़ी सी है। चोखा, रोटी, चावल और मूली। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मेरा ये लंच कैसा लगा। अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। गुड इवनिंग। तो अभी गुड इवनिंग तो नहीं कहेंगे, वैसे रात हो गई है, अभी रात का बज रहा है 10, करेक्ट 10 बज रहा है फिक्स एकदम। तो पूरा दिन अब सबसे पहले सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं पूरा दिन आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर मैंने आज वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े भी धुले थे, और हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं दिखाना चाहती तो नहीं दिखाती हूँ। तो कपड़े वगैरह धुले थे, वो सारे कपड़े छत में फैलाए, उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठो, वॉकिंग वगैरह जाओ तो दोपहर में थोड़ा सा सोना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर शाम तक ना बहुत ज़्यादा फिर लो फील होने लगता है। इसलिए 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी, फिर उठी तो शाम को चाय वगैरह बनाई, 4 बजे उठी मैं चाय वगैरह बनाई, फिर मुझे आज घी भी बनाना तो मैंने घी भी बनाया, उसमें भी कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। उसके बाद मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए रखे थे ढेर सारे, वो प्रेस किए, और मैं अभी 9 बजे फ्री हुई हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर किया, डिनर में सुबह चोखा बनाया था तो चोखा रखा हुआ था, मैंने रोटियां सेक ली थी तो हम लोगों ने चोखा और रोटी खा ली थी, अच्छा लगता है इस तरह से खाना। तो वो सब खाने के बाद अभी फ्री हुई तो मुझे याद आया, अरे मेरा वीडियो भी अभी चालू है, मैंने उसको इन नहीं किया है। आप लोग भी फिर अच्छा नहीं लगता है कभी कभी ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना चाहते हुए भी। और अभी ना मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई है, देखिए सुबह बेडशीट भी धुली थी, टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, और फ़ोन चार्ज नहीं था, तो देखिए चार्जर भी लगा के मैं आप लोगों से वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए अब आप लोगों से फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब थकावट भी लग रही है, सोऊंगी अभी तो नहीं सोऊंगी, पहले इस वीडियो को कन्वर्ट करूँगी, और बाकी जो पूरी एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर होता वो तो मैं सुबह उठूँगी क्योंकि वॉकिंग जाती हूँ, वहाँ से आके फिर मेरे पास टाइम रहता तभी मैं करती हूँ आजकल, उसके बाद पब्लिश कर दूँगी तो कन्वर्ट कर दूँगी अभी, ताकि मुझे सुबह थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो चलिए फिर अब फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय, गुड नाइट।